All right. डे फाइव में यार हम जा रहे हैं आज ग्लोबल विलेज, तो उधर 4 बजे की बुकिंग कराई है। काफ़ी तबीयत रात ख़राब हो गई थी, आज से बेहतर हो गई है, तो वहाँ जाके चेक करते हैं। काफ़ी लोगों ने रिकमेंड भी किया है कि ग्लोबल विलेज जाओ। अभी हम यहाँ पे रेस्टोरेंट बैठे हैं, पता नहीं क्या नाम है इस रेस्टोरेंट का, और कुछ पता नहीं है, अजीजा उत्ता पापा पापू, सो डोंट नो, सो लेट्स हैव सम चाय एंड देन गो। आखिरी डे हमारा दुबई में, और हम आए हैं ग्लोबल विलेज। काफ़ी दूर था ये, ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर्स। काफ़ी महंगी टैक्सी भी मिली है, वैसे सुना है कि बस जैसे आती है इधर, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको 2-2.5 घंटे चाहिए। तो प्री बुक हमारे टिकट्स हैं, तो मसला हमारे कोई भी नहीं। अब चलते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या है, वॉट इज़ ऑल द हाइप अबाउट। तो सीन काफी अच्छा नहीं लग रहा। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। हाँ, बीमार भी हैं लेकिन आना तो जरूरी है। चाइनीज थिंग, नाइस। दिस इज इंग्लैंड, नो वैटिकन, नहीं इंग्लैंड है ये, इंग्लैंड है वो रोमन बनाया हुआ, नाइस। ये जापानीज चाइनीज टाइप, अंदर जाके देखने को चीज है, थाई मसाज है, फुट मसाज, जैसे फुट मसाज का बड़ा मजा आता है, एंड फुट मसाज है इंडिया, इंडिया पाकिस्तान है, आई डोंट अंडरस्टैंड ये। दिस सीम्स लाइक सर जाए, सर जाए की तरफ जाते हैं। बेसिकली इन्होंने ना हर कंट्री का अपना एक हिसाब बनाया हुआ है, ये उनके ही प्रोडक्ट्स हैं, उनका ही विलेज है, तो वहाँ जाके देखें और चीज़ें वहाँ से बाय कर सकते हैं। वॉल टू तो यमन के हनीज आए हुए हैं यहाँ पर, नाइस वाइट हनी। भाई ये तो पहली बार देखा है मैंने, वाइट हनी कमाल है। यमनी तो बहुत ज़्यादा मुझे पठान टाइप लग रहे हैं, वेरी नाइस। चलो भाई जब चले, बेली डांसर क्लोथ्स,
ईरान। इंडिया आ गया भाई, इंडिया। हाँ, पहली पहली ये बताए इंडिया की कौन सी जगह है। शॉप्स खोली हैं छोटी छोटी सी। तेज बड़ा था लेकिन ये था कि बीमार हो ना आप, साइनस हो तो आपने बिल्कुल भी लेना ऐसा दिमाग है ऐसे उल्टी आ रही है। लेकिन इट वॉज फास्ट, इट वॉज नाइस नाइस। ओके सो नेक्स्ट प्लीज। Hold on at all times. ستبدأ اللعبة. يرجى البقاء في مقاعدكم.
अमेरिका क्या चेक तो करें क्या होता है लड्डू फ्लावर
दुबई का आखिरी दिन क्या आखिरी टाइम, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ पाकिस्तान वापस। ग्लोबल विलेज वॉज गुड, लेकिन एक बार ही आना, इसके बाद पैसे ज़ाया नहीं करने, इट इज़ वन टाइम थिंग। लेकिन मज़ा आया यार, इट वॉज अ गुड हैपनिंग ट्रिप। काफ़ी सस्ते में मैंने ट्रिप ये किया है और मैंने ऑलमोस्ट सारी अट्रैक्शन देखी हैं। सो आई विल डेफिनेटली अपडेट यू ऑन दिस एंड वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू। द सरीन एयर का क्या एक्सपीरियंस था सब कुछ मैं बताऊँगा आपको, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह पहुँच के लाहौर फिर आपको बताते हैं कि हमारे साथ सरीन एयर ने मज़ीद क्या किया है। सो सी यू सून, हैव अ नाइस डे।